So dear students, welcome again. तो इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, अगेन ए हम्बल रिक्वेस्ट आप सब के लिए कि आप जो है वीडियो देखते वक्त अपने सामने जो है रखो आप योर पेन रखिएगा, ताकि आप जो वीडियो में कुछ मटेरियल है उसको आप नोट डाउन कीजिएगा. और आज का जो टॉपिक है डैट इज़ इकोलॉजिकल इंट्रोडक्शंस, जिस फॉर बोथ क्लास 11th एंड 12th, बिकॉज इन 11th ये इन्वायरमेंटल साइंस में आता है एंड इन 12th ये बॉटनी में आता है. तो लेट्स स्टार्ट. तो दो टर्म्स है एक्चुअली, एक है इकोलॉजी, दूसरा इंटरेक्शन, विच मेक्स इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस. तो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट दिस इंटरेक्शन मीन्स. इंटरेक्शन जहाँ जहाँ मैं पॉइंटर जो है या हाईलाइटर पॉइंट करता हूँ तो वहाँ की तरफ आप देखिए. इंटरेक्शन सिंपली मीन्स एक्सचेंज ऑफ एक्शंस. वो क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त मैं जो है आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग. वो डैट मीन्स हमारे बीच में इस वक्त एक इंटरेक्शन हो रही है, जिसमें जो है मैं बोल रहा हूँ और आप क्या सुन रहे हैं. ठीक, तो हमारे बीच में क्या हो रही है, इंटरेक्शन. ठीक है, तो इस वक्त जो हमारे बीच में इंटरेक्शन हो रही है, जाहिर सी बात है वी बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड, क्योंकि दोनों को फ़ायदा मिल रहा है. आपकी नॉलेज बढ़ रही है और मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है. तो कहने का मतलब इन शॉर्ट, हमारे बीच में भी एक इंटरेक्शन हो रही है. टीचर जब क्लास देता है स्टूडेंट्स को तो वो भी एक किस्म की इंटरेक्शन है. तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. तो मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछता हूँ. सवाल ये है, कैन अ ह्यूमन बींग, क्या कोई भी इंसान ये दावा कर सकता है कि वो दुनिया में जो है बिल्कुल आइसोलेशन यानी तन्हा रह सकता है, ना उसे किसी चीज़ या ना उसे किसी और इंसान की ज़रूरत है. तो जाहिर सी बात है आपका जो आंसर होगा डैट विल बी नो. नो ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन आइसोलेशन, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो बिल्कुल अकेला तन्हा नहीं रह सकता है. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, समझो अगर ये अकेला रहने की कोशिश करता है तो बिल्कुल मायूसी इसके लिए जाहिर है. तो अब क्यों नहीं रह सकता है, तो इसका जवाब हमें नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा. तो जब हम पहले समझने के लिए हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, जो हमारा समाज है, इस सोसाइटी में भी जो है होती है सोशल इंटरेक्शंस. किन के बीच में होती है, सोसाइटी में जो डिफरेंट मेंबर्स हैं, जो डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचिए, जो हमारी सोसाइटी है यहाँ पे जो है कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, कोई ड्राइवर है, तो कोई मजदूर है. तो सब का होना हमारी सोसाइटी में ज़रूरी है, क्योंकि सब अपना रोल जो है अदा करते हैं. डॉक्टर अपना रोल अदा करता है, टीचर अपना, इंजीनियर अपना. और फिर जब ये सारे जो है सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तब जाकर जो है हमारी सोसाइटी हम कहते हैं अच्छी तरह से वर्क करते हैं. तो हम जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, वी कैन से डेट वी ऑल आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन नीच अदर. इस पानी कैश इज इंटर रिलेटेड, हम इंटर रिलेटेड हैं और हम एक दूसरे पे क्या है, इंटर डिपेंडेंट. वो जितने भी प्रोफेशनल्स के लोग हमारी सोसाइटी में हैं, सबका जो है साथ हमें चाहिए, यानी कि हम अकेले नहीं रह सकते हैं. इन द सेम केस जो हमारी अब इन्वायरमेंट है, जैसे हमने सोसाइटी में देखा इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट प्रोफेशनल्स, इन द सेम केस जो हमारा इन्वायरमेंट है, या हम कहेंगे इकोसिस्टम की बात, हमने पढ़ा है जो हमारा इन्वायरमेंट है इसके दो बड़े कंपोनेंट्स है, लिविंग वर्ल्ड यानी कि बायोटिक कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड यानी कि एबायोटिक. एबायोटिक में आप देखिए हमारे पास यहाँ वाटर है, लैंड है और एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोस्फीयर है. फिर दूसरे तरीके हमारे पास जो है बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स है, जिसमें है प्रोड्यूसर्स, आप देखिए यहाँ पर प्लांट्स है, फिर है कंज्यूमर्स जिसमें कुछ हर्बीवोर है, कार्निवोर या ओमनिवोर एक्सेट्रा. तो यहाँ पे हम देखेंगे इस स्लाइड में, आप ये देखिए जो बायोटिक कंपोनेंट है इनकी और जो अबायोटिक कंपोनेंट इनके बीच में भी एक रिलेशनशिप है. फॉर एग्जांपल प्लांट किसका है, बायोटिक कंपोनेंट का, लेकिन जब इसको फोटोसिंथेसिस करनी है, ये वाटर कहाँ से लेता है, सॉइल से, अबायोटिक से. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर, अबायोटिक कंपोनेंट से. ठीक है, तो ये अबायोटिक पे डिपेंडेंट है, इसके रिलेशन उसके साथ है. फिर जब हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं, इनको आपस में भी रिलेशनशिप है. फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ी है फूड चेन, यहाँ पे देखिए प्रोड्यूसर है, घास है, इसको कौन खाता है, हर्बीवोर, हर्बीवोर को फिर कार्निवोर खाता है, कार्निवोर को फिर कोई टॉप कार्निवोर. तो शॉर्ट में आप याद रखिए जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, इसमें जो डिफरेंट बायोटिक और एबायोटिक, वो बायोटिक और एबायोटिक के बीच में भी रिलेशनशिप है, और ये जो बायोटिक कंपोनेंट में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनके बीच में भी रिलेशनशिप
है, जैसे फूड चेन फॉर एग्जांपल। तो इकोलॉजी हम इसी को कहते हैं, जब हम इंटर रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। तो डैट मीन्स इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस वो इंटरेक्शंस है जो कि होती है बिटवीन डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन इकोसिस्टम, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो है कुछ इंटरेक्शंस होती है, फॉर एग्जाम्पल फूड चेन, तो उन्हीं को हम कहते हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस। तो अब हमें देखना है कि जब इकोलॉजिकल इंटरेक्शन होती है तो क्या हो सकता है। तो डेफिनेशन इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस आर द इफेक्ट्स ऑर्गेनिजम्स इन ए कम्युनिटी हैव ऑन वन अनदर वन अनदर। वो जब इकोलॉजिकल इंटरेक्शन होती है, जब जब दो जो है ऑर्गेनिजम्स जो है वो باشه یور یم لیکچر دم اخ منٹ ہا اتا شی آئی سی ٹی پاس ورڈ شامت آئی سی ٹی سوری سٹوڈنٹس ایبسولیٹلی سوری ایکسٹریملی سوری برادر تو میں کہاں پہ تھا یس تو جب ایکولوجیکل انٹریکشنز ہوتی ہے بٹوین ڈفرینٹ آرگینزمز تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک دوسرے پہ اثر چھوڑ جاتے ہیں تو انہی کو ہم کہتے ہیں ایکولوجیکل انٹریکشنز تو جب انٹریکشن ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے کوئی اثر تو ہوگا اب یہ جو ایکولوجیکل انٹریکشنز ہے دے آر کرٹیکل فار دیئر سروائیول یعنی زندہ رہنے کے لیے بالکل کیا ہے ان کے لیے ضروری ہے فار ایگزامپل فوڈ چین میں ہم دیکھتے ہیں جو ڈیئر ہے اس کو لائن کھاتا ہے تو لائن نے جو ہے اس ڈیئر کو کھانا بالکل ضروری ہے اب یہ ایکولوجیکل انٹریکشنز کس لیے ہوتی ہے یہ نیوٹریشن کے لیے یعنی فوڈ کے لیے ہو سکتی ہے گروتھ کے لیے ہو سکتی ہے ریپروڈکشن کے لیے یا پھر پلانٹس میں سیڈ اینڈ فروٹ ڈسپرسل کے لیے ہو سکتا ہے کیونکہ پلانٹ جو ہے خود سے وہ سیڈ کو ڈسپرس نہیں کر سکتے ان کو کچھ چاہیے کچھ ایجنٹس جو ہم آگے دیکھیں گے فار ایگزامپل برڈز اور اینیملس ٹھیک تو نیکسٹ پوائنٹ جو ہے ہمارے نیچر میں جو ہم نے ابھی دیکھا جیسے سوسائٹی میں انٹر ڈپینڈنس ہے ان دا سیم کیس جو ہمارا ایکو سسٹم ہے وہاں پہ بھی انٹر ڈپینڈنس ہے بٹوین پلانٹس ہے بٹوین اینیملز ہے اینڈ آلسو بٹوین پلانٹس اینڈ اینیملس تو ان شارٹ کوئی بھی آرگنیزم جو ہے ہمارے ایکو سسٹم اکیلے نہیں رہ سکتا ہے اس کو جو باقی لیونگ آرگنیزمس ہیں ان کی ضرورت ہے ان کے ساتھ ان کی انٹر ریلیشن شپ ہے انٹریکشن ہے تو ان انٹریکشنز کو ہم سمپلی کہتے ہیں ایکولوجیکل انٹریکشنز تو بڑھتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کی طرف اب ہمیں جو ہے ٹائپس دیکھنی ہے ایکولوجیکل انٹریکشنز جو ہے دے کین بی براڈلی آف ٹو ٹائپس تو فرسٹ از انٹر اسپیسیفک انٹریکشن سیکنڈ از انٹرا اسپیسیفک انٹریکشن اب یہ جو انٹر اسپیسیفک انٹریکشن ہے ہمیں نام سے ہی پتہ چلتا ہے اٹ از انٹریکشن بٹوین انڈیویجولز آف ڈفرنٹ اسپیسیز انٹر یعنی بٹوین ہے تو جیسے ہم انٹرنیشنل میچ کہتے ہیں انٹرنیشنل میچ میں کیا ہوتا ہے ڈفرنٹ نیشنز کے بیچ میں میچ ہوتا ہے ان دا سیم کیس انٹر اسپیسیفک انٹریکشنز یہاں پہ جو انٹریکشن ہے دیٹ از بٹوین انڈیویجولز آف ڈفرنٹ اسپیسیز دوسرا ہے انٹرا اسپیسیفک تو یہاں پہ جو انٹریکشن ہے دیٹ از بٹوین انڈیویجولز آف سیم اسپیسیز ٹھیک ہے اب چاہے انٹر اسپیسیفک انٹریکشن ہے یا پھر انٹراسپیسیفک انٹریکشن ہے اب یہ جو انٹریکشنز ہوتی ہے یا تو یہ بینیفیشیل ہوں گی دونوں کے لیے بینیفیشیل اور ہارمفل یا تو دونوں کے لیے بینیفیشیل ہے یا پھر دونوں کے لیے ہارمفل ہو سکتی ہے یا کسی ایک کے لیے بینیفیشیل اور کسی ایک کے لیے ہارمفل ٹھیک فردر اس کی بنیاد پہ یعنی یہ بینیفیشیل ہے یا ہارمفل ہے اس کی بنیاد پہ یہ جو انٹریکشنز ہے اٹ مے ہیو پازیٹیو اور نگیٹیو رزلٹس یعنی اگر بینیفٹ کوئی اسپیسیز ہو رہا ہے ہم کہیں گے اس کو پازیٹیو رزلٹ مل رہا ہے لیکن اگر کسی کو ہارم ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے نگیٹیو رزلٹ مل رہا ہے تو اس سلائڈ میں ہم نے دیکھا دیر آر ٹو ٹائپس آف ایکولوجیکل انٹریکشنز انٹر اسپیسیفک اینڈ انٹرا اسپیسیفک انٹر مینس بٹوین انڈیویجولز آف ڈفرنٹ اسپیسیز اینڈ انٹرا مینس بٹوین انڈیویجولز آف سیم اسپیسیز تو نیکسٹ سلائڈ میں جو ہے ہم دیکھیں گے پہلے ہم پہلے یہاں پہ اٹھائیں گے انٹر اسپیسیفک انٹریکشنز تو انٹر اسپیسیفک انٹریکشنز جو ہے اگین دے کین بی آف ٹو ٹائپس جو ہم نے پہلے دیکھا آن دا بیس آف رزلٹ پازیٹیو اور نگیٹیو تو پہلا جو ہے دیٹ از پازیٹیو انٹریکشن اینڈ سیکنڈ جو ہے دیٹ از نگیٹیو انٹریکشن پازیٹیو انٹریکشن میں جیسے ہم نے یہاں پہ سائن میں پہلے آپ ادھر دیکھیے پلس لکھا ہے یعنی جو دو اسپیسیز ہے اگر دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے پلس پلس یہاں پہ جو دو اسپیسیز ہے ان میں سے ایک کو بینیفٹ ہو رہا ہے دوسرا ان افیکٹڈ ہے نہ اس کو ہارم ہو رہا ہے نہ اس کو بینیفٹ مل رہا ہے تو یہ سائن ہے پلس ریفرز ٹو بینیفٹ اور زیرو جو ہے ان افیکٹڈ ہے تو پازیٹیو انٹریکشن میں ہم دیکھیں گے کہ کم سے کم جو ایک اسپیسیز ہے انٹریکشن میں اس کو بینیفٹ مل رہا ہے
तो इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं हारमोनियस इंट्रैक्शन, हारमोनियस इन द सेंस अमन, यानी यहाँ पे अमन है, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा ऐसे नहीं है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। तो जो दूसरा टाइप है डैट्स नेगेटिव इंट्रैक्शन, नेगेटिव इंट्रैक्शन में आप देखिए किसी एक का नुकसान तो होना ज़रूरी है, माइनस माइनस मीन्स हार्म हो रहा है, या तो एक जो है वो हार्म हो रहा है या फिर दोनों के दोनों हार्म हो सकते हैं। तो नेगेटिव इंट्रैक्शन का एक और नाम है इन हारमोनियस इंट्रैक्शन, इन हारमोनियस इन द सेंस कि यहाँ पे अमन नहीं है, यहाँ पे लड़ाई या झगड़ा ज़रूरी है। तो इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन टू टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव इज कॉल्ड हारमोनियस इंट्रैक्शन एंड नेगेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन हारमोनियस इंट्रैक्शन। तो साइन लैंग्वेज क्या है, इसमें प्लस प्लस हो सकती है, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, प्लस जीरो हो सकता है, एक को बेनिफिट दूसरा अनएफेक्टेड। तो नेगेटिव में क्या है, एक को बेनिफिट लेकिन दूसरे को हार्म, और इन द सेम केस या फिर दोनों यहाँ पे जो है एक दूसरे को हार्म करने पे तुले हुए हैं। अब ये जो पॉजिटिव इंटरेक्शन है इसकी तीन बड़ी कैटेगरीज है आपके सेलेबस के हिसाब से, पहला है म्यूचुअलिज्म, फिर है प्रोटो कोऑपरेशन, फिर है कोमेंसलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म की जो साइन है डैट इज़ प्लस प्लस, दोनों को फ़ायदा मिल रहा है, प्रोटो कोऑपरेशन का साइन भी प्लस प्लस है, लेकिन म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कोऑपरेशन में ये डिफरेंस है, जो म्यूचुअलिज्म है ये ओब्लिगेटरी है यानी ज़रूरी है, ये जो दो स्पीसीज यहाँ पर इन्वॉल्वड है इनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, इनको ये इंटरेक्शन करनी ही करनी है। मगर जो प्रोटो कोऑपरेशन है इसका साइन भी प्लस प्लस है, बट दिस इज़ नॉन ओब्लिगेटरी, यानी यहाँ पर जो दो स्पीसीज इंटरेक्शन में है उनके लिए ज़रूरी नहीं है, अगर वो करें तो ठीक है दोनों को फ़ायदा मिल रहा है, अगर ना भी इंटरेक्शन करें तो सर्वाइवल पे कोई ख़तरा नहीं है। कोमेंसलिज्म की जो साइन है थर्ड वन डैट इज प्लस ज़ीरो, तो यहाँ पे जो है एक को फ़ायदा मिल रहा है लेकिन दूसरा जो है अनअफेक्टेड है। तो अभी आज के जो इस लेक्चर में जो है हम देखेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शन को। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे क्या है, हियर वन स्पीसीज हेल्प्स वन अनदर एंड हेल्प वन अनदर सॉरी एंड इधर वन और बोथ द स्पीसीज आर बेनिफिटेड। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्पीसीज जो है दूसरे स्पीसीज की मदद करता है, और इस दौरान या तो दोनों को फ़ायदा मिल रहा है बेनिफिट, या फिर कम से कम एक को तो ज़रूरी फ़ायदा मिलता है। अब ये बेनिफिट जो है वो किस सूरत में हो सकता है, डेट मे बी इन द रेस्पेक्ट ऑफ फूड, फूड के लिए इंट्रैक्शन होगी, शेल्टर या ट्रांसपोर्ट और सबस्टेटम एट्सेट्रा। अब एसोसिएशन यानी जो ये एक साथ समझिए आप काम कर रहे हैं, इंट्रैक्शन कर रहे हैं, अभी जो एसोसिएशन है ये ओब्लिगेटरी भी हो सकती है और फैकल्टेटिव। ओब्लिगेटरी मीन ज़रूरी है, यानी इनको ये एसोसिएशन या इंट्रैक्शन करनी ही करनी है। फैकल्टेटिव मीन्स ज़रूरी नहीं है, अगर ना भी करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जब ये इंटरेक्शन कर रहे हैं, जब ये एसोसिएशन में है, या तो ये क्लोज कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं या फिर ये क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं हो सकते हैं। तो ये सब हमें आगे की जो स्लाइड्स है उनमें ये समझ आएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो पहली हम लेते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन की जो पहली टाइप है डैट इज़ म्यूचुअलिज्म। ये क्या है, ये पॉजिटिव इंटरेक्शन की पहली टाइप है म्यूचुअलिज्म। साइन क्या है इसकी, प्लस प्लस, यानी जो दोनों स्पीसीज है वो उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पे स्लाइड पे लिखा गया है, हियर बोथ द स्पीसीज देयर आर बेनिफिट, तो दोनों को जो है फ़ायदा मिल रहा है जो भी स्पीसीज इसमें इन्वॉल्वड है। इन पास्ट इट वॉज टर्मड एज सिम्बियोसिस, तो पास्ट में जो है इसका नाम था सिम्बियोसिस। तो म्यूचुअलिज्म की कुछ एग्जाम्पल्स हमें पढ़नी है। तो पहली जैसे स्लाइड पे आप देख रहे हैं, पहला जो है डैट इज पोलिनेशन बाय एनिमल्स। तो इसमें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज बीज वगैरह, कुछ इंसेक्ट्स और कुछ बर्ड्स जो है वो एक्चुअली फ्लावर के पास जाते हैं, किस लिए, क्योंकि फ्लावर शो ही होता है, अट्रैक्टिव होता है, फूड के लिए वहाँ पर जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इंसेक्ट है, तो ये यहाँ पे फ्लावर पे क्या हासिल कर रहा है, फूड नेक्टर हासिल कर रहा है। और इसी दौरान बाई चांस जो है यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है दे गेट स्टिकड टू द लेग्स ऑफ दिस इंसेक्ट, फिर ये इंसेक्ट कहीं और जाता है, फिर ये पोलन ग्रेन्स को वहाँ पे शेड करता है किसी और फ्लावर पे, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन में ये इंसेक्ट्स मदद करते हैं। तो चूँकि आपने ऑलरेडी ये पढ़ा है पहले भी, तो चूँकि प्लांट्स के पास खुद के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि यहाँ का पोलन ग्रेन जो है वो खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाए दूसरे जो दूर कोई फ्लावर है, तो इसमें अब कौन हेल्प कर रहे हैं, ये इंसेक्ट हेल्प कर रहा है। अब ये इंसेक्ट यहाँ पर एक्चुअली फूड के लिए आया था, लेकिन इन रिटर्न इसने क्या काम किया, इसने यहाँ पे की क्रॉस पोलिनेशन। तो इसमें क्या हो गया, दोनों का काम निकला, ये जो प्लांट है इसको भी फ़ायदा मिला, ये जो इंसेक्ट है इसको भी फ़ायदा मिला। अब ये जो इंसेक्ट है इसको क्या मिला, यहाँ से इसको फूड मिला, इसको आप देख सकते हैं नेक्टर मिला,
ठीक है। और ये जो प्लांट है इसको क्या फ़ायदा मिला, इसकी हो गई क्रॉस पोलिनेशन, यानी इसका पोलन जो है वो सेपरेट हो गया। तो इसमें दोनों को फ़ायदा मिला, तो हम कहेंगे प्लस प्लस। और तो ये कौन सी कैटेगरी है, ये है म्यूचुअलिज्म। तो बाकी आप स्लाइड को आप अच्छी तरह आप स्टडी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एक और एग्जांपल म्यूचुअलिज्म की। बेस्ट एग्जांपल जो म्यूचुअलिज्म की है डेट इज़ लाइकन्स। तो लाइकन्स आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। लाइकन क्या होती है, एक्चुअली इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन अलगे एंड फंगई। तो कुछ अलगे और कुछ फंगई होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो साथ में रहते हैं। तो जब वो साथ में रहते हैं उनको कहते हैं लाइकन्स। अब यहाँ पे भी जो एसोसिएशन है डेट्स प्लस प्लस, यानी कि दोनों को फ़ायदा मिल रहा है म्यूचुअलिज्म में। अब दोनों को अगर आपने लाइकन देखने, यहाँ पर मैंने ये जो डायग्राम बनाई है, यहाँ पर रॉकस देखे, तो रॉकस पे जो कश्मीर में हम कहते हैं मांस जो खसान चाह, तो इन्हीं को हम कहते हैं लाइकन्स। ठीक, तो ये क्या है, ये एक्चुअली थैलोफाइट्स है दोनों, नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू स्टेम्स रूट्स एंड लीव्स। तो इनकी जो बॉडी होती है वो मैट्रिक्स की बनी होती है, जिसमें फंगस होता है और उस फंगस के अंदर जो है अलगे होता है एम्बेडेड। अब इस लाइकन में आप देखेंगे अलगे और फंगे मिलके क्या करते हैं। तो हमें पता है जो अलगी है ये ग्रीन होता है, इसके पास क्लोरोफिल है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ये गुज़ा प्रिपेयर करेगा, फूड प्रिपेयर करेगा अपने लिए भी और फंगई के लिए भी। अब ये जो फंगई वापस क्या करता है, ये जो फंगस है इट मेक्स मॉइस्चर एंड मिनरल अवेलेबल फॉर अलगी। ये जो है मॉइस्चर यानी वाटर कंटेंट और मिनरल अवेलेबल करता है अलगी के लिए, ताकि अलगी क्या करे, फोटोसिंथेसिस। तो अलगी जो है वो फूड बनाता है लाइकन्स में, और फंगस जो है वो मॉइस्चर और मिनरल को अवेलेबल करता है किसके लिए, अलगी के लिए। वो दोनों जो है एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं। तो इस एसोसिएशन का जो साइन है डेट्स प्लस प्लस, तो यह भी किस में आएगा, हमारा म्यूचुअलिज्म में। बाकी जो स्लाइड्स पे लिखा हुआ है इसको आप पास करके जो है अपनी नोटबुक में इंटर कर सकते हैं। तो अगेन म्यूचुअलिज्म की पहली जो थी डेट वॉज जो है पोलिनेशन बाय डिफरेंट बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, दूसरा है लाइकन्स, ये भी म्यूचुअलिज्म है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, एक और म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल डेट इज सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो अगेन बहुत बार पढ़ी है आप लोगों ने, अगेन साइन क्या है, प्लस प्लस, यानी कि जो इसमें दो स्पीसीज इन्वॉल्वड है दोनों को जो है बेनिफिट मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, एक बैक्टीरिया में राइजोबियम ज़्यादातर इन नॉन लिग्यूमिनस प्लांट्स, तो वो रिजाइड करता है इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ दीज लिग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया इनमें क्या करता है, रिजाइड करता रहता है, तो यहाँ पे लिखा है। तो वो क्या करता है, लेकिन वो फॉर्म नोड्यूल्स इन द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स। तो नोड्यूल्स जो है ना, ये सवलोन एरियाज, इनको कहते हैं नोड्यूल्स। अब यहाँ पर बैक्टीरिया क्या करता है, और जो रूट है वो उसको वापस क्या देता है, जाहिर सी बात है जो ये बैक्टीरिया है वो क्या काम करते हैं, उनको यहाँ पे प्रोटेक्टिव स्पेस मिलती है रहने के लिए, और वापस में उनको क्या मिलता है, वापस में उनको जो रूट है वो रेडीमेड फूड देता है। ठीक, अब बैक्टीरिया क्या करता है, वो करते हैं नाइट्रोजन फिक्स, क्योंकि हमें पता है कुछ प्लांट्स जो है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उनके रूट्स में रहते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तब जाकर ये प्लांट जो है नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डायरेक्ट मैंने जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दे फिक्स नाइट्रोजन फॉर दिस प्लांट, और प्लांट इनको जो वापस क्या देता है, फूड देता है। तो इस एसोसिएशन में दोनों को फ़ायदा मिल रहा है, प्लांट को भी फायदा मिल रहा है, क्यों, उसको नाइट्रोजन मिल रहा है, और फिर बैक्टीरिया को भी फायदा मिल रहा है, उसको फूड मिल रहा है। तो साइन जो है डेट इज प्लस प्लस, तो ये भी किस में आएगा, हमारा म्यूचुअलिज्म में आएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, वो आख मिनट पलट आख मिनट है शाहमत। नेक्स्ट जो है डेट इज माइकोरिजा। तो माइकोरिजा जो है ये भी हमारा प्लस प्लस में ही आएगा। तो माइकोरिजा एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें फंगई जो है, यहाँ पे फंगई क्या करता है, वो इन एसोसिएशन रहता है कुछ ट्री रूट्स के साथ, जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उनके रूट्स के साथ फंगई एसोसिएट हो जाता है। इसमें साइकस आता है, जैसे समझो आप एक ट्री साइकस है, या पाइनस जो कश्मीर में पाया जाता है, तो उनके जो रूट्स होते हैं तो उनके साथ ये फंगस जो है एसोसिएट होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फंगस जो है इसने खुद को जो है रूट्स के साथ एसोसिएट किया है। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें साथ में रहती है, एक ये फंगाई और बाकी जो है ट्री रूट्स। अब यहाँ पे जो एसोसिएशन है उसमें फंगाई क्या करता है, अब यहाँ पे ये जो रूट्स होते हैं वो एफिशिएंट नहीं होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने में। अब ये जो फंगाई है ये इनको वाटर एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, ये इनका सरफेस एरिया एक्चुअली जो है वो इनक्रीज़ करते हैं।
ठीक, तो उसकी वजह से जो रूट्स है वो आराम से वाटर और मिनरल हासिल करते हैं। और वापस में इस फंगे को क्या मिलता है, इस फंगे को मिलता है फूड। ये फूड कहाँ से लेता है, फ्रॉम द ट्री रूट्स। तो जाहिर सी बात है दोनों को यहाँ पे जो है बेनिफिट मिल रहा है, ट्री को भी बेनिफिट हो रहा है क्योंकि जो इसमें फंगे है रूट्स के साथ वो इसको हेल्प करता है वाटर एब्जॉर्प्शन में, और फंगे जो है मैं पता हूँ हेटेरोट्रॉफ है उसको रेडीमेड फूड मिलता है। तो माइकोरिजा आप याद रखेंगे इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन फंगई एंड द ट्री रूट्स ऑफ साइकस और पाइनस। तो इसकी जो साइन एंड एड्स प्लस प्लस, यानी कि दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड, तो म्यूचुअलिज्म जो है ख़त्म हो गया, म्यूचुअलिज्म जिसकी साइन थी प्लस प्लस, तो वहाँ पे हमने देखा कि उसमें हमारा आ गया लाइकन्स आ गए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आ गया, और पोलिनेशन बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स आ गया। अब जो दूसरा है पॉजिटिव इंट्रोडक्शन में, डैट इज़ प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन अगेन इसकी साइन जो है डैट इज़ प्लस प्लस, तो इसमें भी दोनों को फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन हमें पता है फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि जो म्यूचुअलिज्म है वो ओब्लिगेटरी है, यानी उनको वो ज़रूरी करनी है, मगर ये जो प्रोटो कोऑपरेशन है ये ओब्लिगेटरी नहीं है। तो ठीक, तो इस स्लाइड को हम स्टडी करते हैं। प्रोटो कोऑपरेशन इज़ ए लेस एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ इंट्रैक्शन दैन म्यूचुअलिज्म। ये भी म्यूचुअलिज्म की तरह है, यानी दोनों को जो है बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन लेस एक्सट्रीम है। वो क्या होता है, इट इज़ नॉट ओब्लिगेटरी, ज़रूरी नहीं है, अगर करें तो बेहतर, अगर ना करें तो कोई हर्ज नहीं है। तो इसे हम कहते हैं नॉन ओब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म भी इसको हम कह सकते हैं। वो क्या होता है, डैट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ इधर पॉपुलेशन, यानी कि अगर ये दो ये इंट्रैक्शन ना भी करें तो इनके सर्वाइवल पर कोई ख़तरा नहीं है। तो प्रोटो कोऑपरेशन की बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे आप स्लाइड पे आप खुद भी अच्छी तरह स्टडी करना, यहाँ पे एक सीलेंट रेट है जो हमारे ओशनज में पाया जाता है, सी एनीमोन। अब ये क्या काम करता है, ये अपने मतलब शिकार होने के, प्रे होने के डर से इस पे जो है, ये जो सी एनीमोन है एक्चुअली ये जो क्रेब है यहाँ पर, पहले आप यहाँ देखें हर्मिट क्रेब है, तो ये इस पे अटैच होता है सी एनीमोन, ठीक है। तो इस ये जो हर्मिट क्रेब है इसको खतरा होता है कि कहीं इसका शिकार ना करे, कोई इसको ना खाए। अब ये जो सी एनीमोन है इसको चाहिए फूड। अब ये जो सी एनीमोन है ये इस पे होता है अटैच, इसके ऊपर होता है ये अटैच। तो इससे क्या होता है, ये जो सी एनीमोन जब इस हर्मिट क्रेब पे अटैच होता है, ये हर्मिट क्रेब इसको डिफरेंट जगह पे ले जाता है जहाँ पे इसको फूड मिलता है। तो सी एनीमोन को फ़ायदा मिला, बेनिफिट हो रहा है, लेकिन हर्मिट क्रेब को वापस क्या मिल रहा है, जब ये सी एनीमोन इसके ऊपर होता है इसकी बॉडी के ऊपर, तो ये जो है हर्मिट क्रेब ये शिकार होने से बच जाता है, यानी इसको कोई प्रे नहीं कर सकता, क्योंकि अब इसकी जो आप समझे शेप चेंज हो गई, जो इसका शिकार करने वाला था कोई प्रेडेटर उसको धोखा मिलता है, तो उसको धोखा होता है, वो इसको शायद पहचान नहीं पाता है। तो डैट मीन्स कि यहाँ पे दोनों को फ़ायदा मिल रहा है इस एसोसिएशन से। क्या होता है, यहाँ पे दोनों क्लोज कॉन्टैक्ट में है, तो सी एनीमोन को ये हर्मिट क्रेब समझो इसकी मूवमेंट कराता है एक जगह से दूसरी जगह फॉर फूड, और वापस ये जो हर्मिट क्रेब है ये खुद प्रे होने से यानी शिकार होने से बच जाता है, यानी कि कोई भी इसको प्रे नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वो जो उसका प्रेडेटर है उसको धोखा लगता है, किसकी वजह से, सी एनीमोन की वजह से। तो दोनों ये जो एसोसिएशन है यहाँ पे आप समझे प्रोटो कोऑपरेशन यानी प्लस प्लस, दोनों को यहाँ पे आप देखिए फ़ायदा ही मिल रहा है, एक को फूड मिल रहा है और इसको क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये प्रोटो कोऑपरेशन है लेकिन नॉन ओब्लिगेटरी है, अगर ये ना भी करें तो भी ये बच सकता है, अगर ये ना भी करें ये भी बच सकता है, लेकिन एक दूसरे को फ़ायदा देने के लिए एसोसिएशन या इंटरेक्शन करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड एज प्रोटो कोऑपरेशन। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है, अब तीसरा जो है म्यूचुअलिज्म का टाइप, डेट इज़ कुमेंसैलिज्म। तो कुमेंसैलिज्म में हमने देखना है कि यहाँ पे साइन जो है डेट इज़ प्लस एंड ज़ीरो, प्लस एंड ज़ीरो। तो प्लस एंड ज़ीरो का मतलब यह है जो दो स्पीसीज है उनमें से एक को जो है बेनिफिट मिल रहा है और जो दूसरा है वो अनएफेक्टेड है, ना तो उसको बेनिफिट मिल रहा है ना तो वो हार्म हो रहा है। वो हियर वन स्पीसीज डिराइव्स बेनिफिट फ्रॉम द एसोसिएशन वाइल द अदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। तो एक स्पीसीज जो है उसको बेनिफिट फ़ायदा मिल रहा है, दूसरे को ना तो बेनिफिट ना हार्म। द स्पीसीज डिराइविंग बेनिफिट इज कॉल्ड कुमेंसल। अब जो स्पीसीज जिसको फ़ायदा मिल रहा है उससे हम कहते हैं कुमेंसल, ठीक है। द टू स्पीसीज लिव टुगेदर विदाउट एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज। यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज नहीं होता है, क्लोज कॉन्टैक्ट है मगर फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज यानी टिश्यूज़ का एक्सचेंज नहीं है। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है डैट इज़ पहली जो है
کلمبرز اینڈ ٹی وی نرس، یہ آپ کو خود پتہ ہوگا کلمبر ہم کہتے ہیں ان پلانٹس کو جن کے سسٹمز ویک ہوتے ہیں، جو خود سے جو ہے اوپر نہیں کلائم کر سکتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ کچھ اور پلانٹس کا سہارا لیتے ہیں، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یا پھر ہمارے ادھر گھر میں ایگزامپلز ہے، ککمبر ہے، پائسم ہے، تو وہ کیا ان کے جو سسٹمز ہوتے ہیں وہ ویک ہوتے ہیں، پھر وہ کسی اور پلانٹ کا سہارا لے کے اوپر جاتے ہیں. اب یہ جو کلمبرز ٹیمینرس ہے، ان کو تو بینیفٹ ہو رہا ہے، ان کو سپورٹ مل رہا ہے، لیکن جس پلانٹ پہ ان کو سپورٹ مل رہا ہے، نہ تو اس کو نقصان ہو رہا ہے، نہ تو اس کو فائدہ ہو رہا ہے، ڈیٹ مینس زیرو. تو یہ جو پلس زیرو ہے، یہ کیا بن گیا، کومنزیلزم. تو اس کی جو پہلی ایگزامپل ہے، ڈیٹ از کلمبرز اینڈ ٹیمینرس. نیکسٹ سلائڈ میں جاتے ہیں. دوسرا جو کومنزیلزم کی ایک اور ٹائپ ہے، ڈیٹس ایپیفائٹس. ایپیفائٹس نام سے پتہ چلتا ہے، ایپیفائٹس آر دا پلانٹس گروئنگ پارچر آن ادر پلانٹس، دے یوز ہوسٹ پلانٹ اونلی ایز سپورٹ اینڈ ناٹ فار فوڈ. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو ایپیفائٹس جو ہے کچھ پلانٹس ہوتے ہیں جو کہ کسی اور پلانٹ پہ گرو کرتے ہیں، لیکن صرف وہاں پر وہ سپورٹ کے لیے ہوتے ہیں، فوڈ کے لیے نہیں ہوتے ہیں. اب اس کی جو ایگزامپل ہے یہاں پر، آپ دیکھیے آرچڈ ہے فار ایگزامپل، تو یہ جو پلانٹ ہے، یہ چھوٹا سا پلانٹ، یہ کسی ایک بڑے پلانٹ پہ گرو ہوا ہے، جس کا ہم نے صرف ایک پارٹ لیا یہ والا. اب جب اس پہ گرو ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی روٹس جو ہے وہ اس پلانٹ کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی روٹ جو ہے وہ ہینگنگ ہے، جیسے یہاں پہ لکھا ہے ایپیفائٹک یا ہینگنگ روٹس، وہ ہینگنگ روٹ ہوتے ہیں، وہ ایئر میں ہی ہوتے ہیں. تو اس پلانٹ کو ہم کہتے ہیں ایپیفائٹ، یعنی کسی اور پلانٹ پہ گرو کیا ہے، لیکن صرف سپورٹ کے لیے. کیوں؟ یہاں پہ اس کے روٹس جو ہے اس کی ٹشو کو پینیٹریٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ دے آر ہینگنگ ان ایئر، وہ موئسچر، مطلب ایئر سے ہی موئسچر، واٹر وغیرہ جو حاصل کرتے ہیں. تو سچ جو انٹریکشن ہے، جسے ہم کہتے ہیں یہ تو ایپیفائٹ ہے یہاں پہ، تو سائن جو ہے دیٹ از پلس اینڈ زیرو، یعنی یہ جو ایپیفائٹ ہے اس کو بینیفٹ مل رہا ہے، لیکن جس پلانٹ پہ یہ گرو ہوا ہے، تو جو اس کا ہوسٹ ہے، نہ تو اس کو فائدہ مل رہا ہے، نہ اس کو نقصان ہو رہا ہے، تو وہ سائن کیا ہے، پلس زیرو. تو ایپیفائٹ جو ہے اٹ از این ایگزامپل آف کومنزیلزم. باقی آپ سلائڈ پہ جو ہے نوٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں جو لاسٹ ہے، ایپیزونس، اسی طریقے سے جیسے کچھ ایپیفائٹس ہیں، کچھ پلانٹس دوسرے پلانٹس میں گرو کرتے ہیں، ان دا سیم کیس دیئر آر ایپیزونس، یعنی کچھ اینیملز جو ہے وہ دوسرے اینیملز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کی باڈی کے ساتھ. تو یہاں پہ اس کی مثال جو ہے، ان کو ہم کہتے ہیں ایپیزونس، زونس ریفرز فار اینیملز. تو پلس زیرو یعنی کہ کومنزیلزم ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سکر فشز ہے، تو یہ سکر فش کیا کرتے ہیں، یہ اس شارک کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، سک ہوتے ہیں، یعنی جڑ جاتے ہیں اس کے ساتھ. تو شارک جو ہے جب موومنٹ کرتا ہے، تو یہ اسی کے ساتھ جاتے ہیں، اور پھر جب یہ شارک فوڈ کھاتا ہے، تو اس کے جو ڈبرس ہے ان کو یہ شارک، سوری، یہ جو سکر فش ہے وہ بھی کھاتے ہیں. اب یہاں پہ فائدہ کس کو مل رہا ہے، سکر فش کو، کیونکہ ایک جو یہ شارک ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کرا رہا ہے، اور پھر ان کو فوڈ بھی ملتا ہے. لیکن چونکہ شارک بہت بڑی ہے، تو اس کو ان کے اٹیچ ہونے سے کوئی نہ تو فائدہ مل رہا ہے، نہ تو نقصان ہو رہا ہے. تو یہ جو انٹریکشن ہے، یہ ایک کومنزیلزم ٹائپ کی انٹریکشن ہے، جس میں ان سکر فشز کو بینیفٹ ہو رہا ہے پلس، لیکن یہ جو شارک ہے، نہ تو یہ بینیفٹ اس کو مل رہا ہے، نہ اس کو ہار مل رہا ہے، زیرو. گو ڈیئر اسٹوڈنٹس، وتھ دس ہم نے جو ہے فنش کی پازیٹیو انٹریکشنز. ٹھیک، اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب یہ ویڈیو چلتا ہے، آپ نے رف اور پین آگے رکھنا ہے، تو خود سے آپ نے جو ہے اس کو نوٹ کرنا ہے. ٹھیک، کیونکہ یہ ڈفرینٹ میتھڈ ہے پڑھانے کا. ہوپ جو ہے آپ جو ہے اس کو، یو ول گیٹ یوز ٹو دیز میتھڈز. تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم جو ہے ہم لیں گے نگیٹیو انٹریکشنز.